तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको ये हेडलैम्प कवर रिमूव करना पड़ेगा। तो हेडलैम्प कवर रिमूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ से एक स्क्रू रिमूव करना है आपको, तो इसको जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। तो ये पहला स्क्रू हमारा रिमूव हो चुका है। इसके बाद जस्ट इसके नीचे आएंगे तो इसके नीचे भी एक स्क्रू है, तो इसको रिमूव करना है, तो जल्दी से इसके रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद एक मैग्नेट लेंगे और इस स्क्रू को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद इसके नीचे एक स्क्रू लगा रहता है, उसको रिमूव करना है, और इसके लिए फिलिप्स टू स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करना है। तो ये बाहर आ चुका है। इसके बाद इसके नेक्स्ट साइड आएंगे तो सेम स्क्रू का पैटर्न हमें मिलेगा। तो सबसे पहले ये स्क्रू रिमूव करना है, तो ये हमने स्क्रू रिमूव कर लिया है। इसके बाद जस्ट इसके नीचे एक स्क्रू है, उसको रिमूव करना है, तो ये स्क्रू भी रिमूव हो गया। इसके बाद मैग्नेट से इसे बाहर निकाल लेना है, तो इस प्रकार से मैग्नेट से बाहर आ चुका है। इसके बाद जस्ट इसके नीचे एक स्क्रू है, तो उसको भी आपको रिमूव कर लेना है अच्छे प्रकार से, तो ये भी रिमूव हो चुका है। इसके बाद सेंटर से एक स्क्रू रिमूव करना है, तो उसके लिए 8 मिलीमीटर का सॉकेट लगेगा। तो यहाँ पर मैंने स्क्रू लूज़ कर लिया है, तो इसके बाद ये मैग्नेट लेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे इस प्रकार से, तो ये बाहर आ चुका है। इसके बाद हमें ये लॉक्स को हटाना है, तो इन लॉक्स को हटा लेते हैं। इसके बाद जो हेडलैम्प कवर है वो बाहर आ जाएगा। तो बाहर निकालने से पहले आपको हेडलैम्प का कनेक्टर और जो हमारे पायलट लैम्प का कनेक्टर है उसको भी निकाल लेना है। तो इस प्रकार से हमारा जो हेडलैम्प कवर है वो बाहर आ जाएगा।